हम स्प्रेयर के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैं स्टार्ट करूंगा कि स्प्रेयर जैसे आप यूज़ क्यों करोगे। पहले तो जैसे आपको आपको इस कुछ पेस्टिसाइड डालना है। पेस्टिसाइड मतलब कीड़ों को मारने वाला, समझो। मारने वाला अगर बोले तो नेचर फार्मिंग में ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, नहीं यूज़ करते हैं। तब मारने का फंडा नहीं है, उनको प्रिवेंटिव फंडा है एक्चुअली। सो वहाँ पे आप मत जाइए। बट या द पॉइंट इज़ कि एक तो इंसेक्ट्स को भगाने के लिए है स्प्रे यूज़ करते हो, और दूसरा उसमें आप फर्टिलाइज़र डालने के लिए यूज़ करते हो। आपने कुछ कंपोस्ट बनाया, लाइक जीवामृत, या जिसे हमने गो के प्रमतम बनाया हुआ है यहाँ पे। आप मैंने ढक कर रखा है। तो आप ये सब जो एक्चुअली गो के प्रमतम तो कंपोस्ट का, आई मीन फर्टिलाइज़र का और इंसेक्टिसाइड दोनों काम ही करता है। तो हमारा तो टू इन वन है, मल्टी इन वन है, जो भी बोल दो इसको। बट या पॉइंट इज कि स्प्रेयर हम या तो इंसेक्टिसाइड डालने के लिए यूज करते हैं, या तो पेस्टिसाइड डालने के लिए पेस्टिसाइड डालने के लिए यूज़ करते हैं, या तो फर्टिलाइज़र डालने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्प्रेयर यूज़ एक्चुअली जब गार्डनिंग जो रूफ टॉप पे गार्डनिंग करते हैं, तो यूजली वो 1 लीटर वाला मार्केट से लेके आते हैं या अमेजोन से परचेज करते हैं। दैट्स हाउ मैंने भी वही शुरू किया। तो ठीक है, मैंने जब शुरू किया, लाइक आई थिंक अभी हो गया लगभग 5 साल हो गए, तो स्टार्ट किया तो अमेजोन से मंगवाया एक 1 लीटर वाला वाइट कलर का। मैं अभी छत पे जाऊंगा तो दिखाऊंगा आपको, शायद पड़ा भी होगा वो। और उसके साथ बाकी एक खाली जस्ट नोजल टाइप का आता है, उसको आप किसी भी बोतल में लगा लो, उससे मारते रहो। तो चाहे 2 लीटर में लगा लो, चाहे 1 लीटर में लगा लो, बट एक खाली नोजल टाइप का आता है, गन टाइप का आता है। तो वो हमने मंगाया, उसे 2-3 बार मंगा चुका उसको मैं, क्योंकि वो यूजली फिट हो जाता है कहीं पे भी, तो जो है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। तो उसको मंगाया, उसके बाद मैंने फिर से स्प्रे चेंज किया। तो रीज़न क्या था कि पहले बात तो उसको 1 लीटर आता है, उसको पंप करो और मारो, ख़त्म हो गया, फिर से पंप करो। और ये मेरा पूरा जो गार्डन आपने शायद देखा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप ये मान के चलो कि अगर 200 पॉट्स हैं तुम्हारे पास, 100 पॉट्स ही हैं, तो 8-10 10 बार तो मारना ही पड़ेगा आपको, भरना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छे से स्प्रे मार रहे हो तो काफ़ी टाइम लगता है, और धीरे धीरे इरिटेशन भी हो जाता है। थोड़ा उठा के मारना है, थोड़ा ऊपर जैसे यहाँ पे मारना है, तो उतना कन्वीनियंट नहीं रहता है, बहुत दिक्कत होती है। और लेडीज़ के लिए तो आई थिंक थोड़ा और भी हार्ड होगा कि उसको तो फील करो, और ऐसे उठा के मारो तो हाथ भी दर्द हो जाता है। तो प्रॉब्लम्स थी ऑफकोर्स। और वो जो नोज़ल है ना, वो चोक हो जाता है। जैसे तुम्हारा जीवामृत या आप जैसे एक पूरा फुल लिक्विड है, और जैसे फर्टिलाइज़र नहीं है, मैं सिर्फ ये इसकी बात करूंगा नेचुरल फार्मिंग की, मैं नॉर्मल उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, खाद आप क्या डाले हो। तो हाँ, जैसे आपने जीवामृत बनाया, ये बनाया या कुछ, तो उसमें क्या है कि चोक हो जाता है बार बार। जैसे हम बनाते थे, क्या है कि नीम का वो जो है उसको छानते थे, और बहुत किस्में फंसता था। जैसे हमने प्याज का बना दिया, राइट, थोड़ा सा भिगो के और रखा, और 24 आवर के बाद में जब प्याज का छिल, क्योंकि मैं ये सब एक्सपेरिमेंट करता रहता था, क्योंकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले फंडे हम शुरू में जो है, मुझे नहीं पता था नेचुरल फार्मिंग वाला फंडा, तो मैं वो ट्राई करता था कि ये प्याज वाला इसको रखते थे 24 घंटे, और उसके बाद उसको डालते थे, और नींबू जो है या संतरा जो है उसको रखते थे 24 घंटा, उसको स्प्रे करते थे। तो क्या है कि चोक हो जाता था, इवन छानने के बाद भी जो है ये प्रॉब्लम्स रहती थी, तो काफ़ी इरिटेटिंग था। तो हमने उसके बाद लगभग 2 साल तक वही किया, और फिर ये वाला मंगाया, ये 8 लीटर का। हमने वीडियो भी डाला, और जब हमने स्टार्ट किया इसको डालना, यूज़ करना, तो क्योंकि मेरे घर का ये 8 लीटर वाला जो है, छत पे ऊपर है थोड़ा पार्ट्स और यहाँ पे थोड़ा नीचे है, तो गुड इनफ था हमारे लिए। और हमको जो है काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब ये स्प्रे करता था फटाक से, थोड़ा सा स्प्रे भी तेज़ होता था, फोर्स थोड़ा तेज़ था। एक बार फिल करो पूरा छत पे, लगभग ज़्यादा ज़्यादा हमारे जितने भी पॉट्स हैं ऊपर से नीचे तक जो है, हमारे रूफ टॉप पे और हमारे ये सामने जो है प्लांटेशन एरिया में, ये थोड़ा
ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट इधर है, 22-20 फीट हमारे फ्रेंड का, उसको भी मैं ही स्प्रे कर देता हूँ। तो कुल मिला के दो बार हम फिल करते थे और हो जाता था, तो दो बार, और उसमें कम से कम आपको 20 बार फिल करना होता था। तो फिर भी ये काफ़ी कन्वीनियंट है और यूज़ के हिसाब से और अच्छा भी था, बट ये दो बार ख़राब हुआ। मैंने इसका रिव्यू क्योंकि एक हफ्ते बाद ही यूज़ करने के बाद डाला था, तो मुझे अच्छा लगा, अभी भी ये अच्छा है जब ख़राब ना हो तो, क्योंकि मैं ख़राब हो गया, ये किसान क्राफ्ट का मैंने मंगाया और ख़राब हो गया, तो हमने किसान क्राफ्ट से कॉल किया, बहुत दिक्कतों के बाद उन्होंने रिप्लेस किया, और रिप्लेस करने के बाद इसको फिर से कुछ तो ख़राब हो गया, फिर से एयर लीक होना शुरू हो गया, तो कुल मिला के प्रॉब्लम इसमें भी आ गई। हाँ, अगर काम कर रहा है तो दैट इज़ स्टिल, हम आई विल से कि यही वाला आपको बाय करना चाहिए, अगर आपको 200 पॉट्स हैं तो, राइट, क्योंकि छोटा वाला तो बिल्कुल नहीं बाय करना भाई, उससे दिमाग ख़राब हो जाता है, आपका टाइम भी जाएगा और दिमाग ऊपर से ख़राब होगा। तो ये अच्छा है, बट वही है कस्टमर सर्विस का प्रॉब्लम, तो हमारा ख़राब हो गया दो बार। अब मैं इसमें इस बार गया उनको बोलने, तो उन्होंने तो दिया नहीं, तो हमें नया ख़रीदना पड़ा, और ज़्यादा मार्केट में हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे हैदराबाद में, मुझे मार्केट में जहाँ पे गया था नहीं मिला, तो मैं ये लेके आया। ये है पूरा जो है एग्रीकल्चर वाला, जो बी 18 लीटर का है, किसान क्राफ्ट के PBR 199। 2 दिन ही हुए इसको यूज़ करते अभी तो, हाँ, लेकिन गुड है कि एक बार, इसमें पहली बात तो बैटरी है, ऑपरेटेड है, उसमें पंपिंग करना पड़ता है वो वाले में, राइट। तो कुल मिला के ये वाला कन्वीनियंट है, लेकिन अब रूफ टॉप गार्डनिंग के लिए मुझे तो बाय करते टाइम में लगा गया, अरे यार लोग क्या बोलेंगे, बस यही डाउट था। अच्छा तो है डेफिनेटली, हमारे अगर 200 पॉट्स हैं फटाफट हो जाता, जैसे यहाँ पे है, एक बार ऐसे घुमा दिया हो गया, बस उधर घुमा दिया, 2 मिनट के अंदर आप बस जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ जाओ और आपका हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर पूरा गार्डन आपका 200 पॉट 400 पॉट आपका डिस्टेंस पे कवर करता है, कितना आप कवर कर रहे हो, कुल मिला के बहुत जल्दी हो जाता है और आपको मेहनत बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़ा लादना पड़ेगा जो है बैक पैक, थोड़ा 18 लीटर का है तो आप 10 लीटर पानी भरो, 5 लीटर भरो। तो अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इसमें, बट वही है कि बस एक बार ऑन करो, बटन ऑन करो और चल रहा है, और फोर्स भी अच्छा है, जिससे आपको, जिससे हमारे देखो इसमें कीड़े लगे हुए हैं, और मैं इसमें टाइम नहीं देता हूँ ना, इसमें देखो ये पूरा इसको वॉश करना है, फटाक से वॉश कर दो इस, राइट। तो अच्छा है, हो जाएगा क्योंकि उसमें फोर्स अच्छा है, तो मेरा रीज़न यही है कि इसलिए मैंने बाय किया उसको। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको, अगर शर्म नहीं आती है तो आप ये 16 लीटर वाला ले लो, 18 लीटर का है ये किसान क्राफ्ट का 199 करके, तो मतलब बड़ा वाला आप ले लो अगर आप शर्माते नहीं हो तो, हाँ, नहीं तो ये वाला तो अच्छा है, ठीक है, चलता है थोड़ा सा, ये एक कंधे पे ही लटकता है एक तरफ और मस्त मारते रहो, ये भी अच्छा है, लेकिन वही है ख़राब हो गया तो हो गया फिर। अब इसका हम बता नहीं सकते, एग्रीकल्चर यूज़ वाला ये जो 18 लीटर वाला, जल्दी तो हमें लग रहा नहीं ख़राब होता, क्योंकि हमारे विलेज में हमने लिया हुआ है तो जल्दी शिकायत नहीं आती, इसमें चलता रहता है, आई थिंक चलता है, काफ़ी चलता है। तो ये स्टोरी है हमारी स्प्रेयर की, और मेरा एक्सपीरियंस यही है, अच्छा है, बड़ा वाला ट्राई करो, बड़ा वाला ही लो, आपके पास पॉट्स ज़्यादा हैं, अगर जैसे बहुत कम हैं जो है, मान लो 20 पॉट्स हैं आपको, जैसे आप अपार्टमेंट में रहते हो, तब भी ये वाला ले लो, वो वाला भर भर के आप मारते रहोगे, आई डोंट थिंक कि वो अच्छा रहेगा, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा, वो बहुत दर्द देता है और ख़राब हो जाता है बार बार, होना सबसे बड़ी बात वो है कि चलता रहे तो अच्छा है, लेकिन नोज़ल जो खुलता है, निकालो, पटको, साफ़ करो, फिर से लगाओ, रेडिकुलस। तो यही है मेरा रिकमेंडेशन कि आप बड़ा वाला ले सकते हो तो वही लो, छोटा वाला बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि वो ख़राब होता है और जल्दी, और बड़ा वाला आई थिंक थोड़ा कम
जो है टाइम में ख़राब होता है। तो दैट्स ऑल आई वांट टू से, थैंक यू।